हे दोस्तों, आज की वीडियो है डिजीटेक के कैमरा ट्राइपॉड की। दोस्तों अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो या आप फेसबुक यूट्यूब पे या दोस्तों इंस्टाग्राम पर वीडियो डालते हो तो दोस्तों ये प्रोडक्ट ऐसा है जो सच में आपकी वीडियो बनाने में बहुत हेल्प करने वाला है। दोस्तों मैं भी इसका काफी इस्तेमाल करता हूँ, कैसे करता हूँ वो सब आपको वीडियो में बताऊंगा। और दोस्तों अगर आप ट्रैवलिंग करते हो और कुछ कॉम्पैक्ट चीज देखना चाह रहे हो जो दोस्तों जिसको आप आराम से बैग में रख के ले जा सको, तो ये उसी चीज के लिए बनाया गया है जो काफी अच्छे से है। दोस्तों ये छोटा भी काफी हो जाता है और इसकी हाइट भी दोस्तों काफी बढ़ जाती है। कितनी बढ़ जाती है वो भी मैं वीडियो में आपको बता दूंगा। तो दोस्तों आज इसी के ऊपर पूरी वीडियो है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहले मैं आपको इसका मॉडल नंबर बता देता हूँ जो यहीं लिखा हुआ है। दोस्तों ये आपको ऊपर ही मिल जाएगा। इसका मॉडल नंबर है डिजीटेक DTR520। दोस्तों अगर आपको ये लेना है तो मैं इसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से जाकर इसको ले सकते हो या फिर चेक कर सकते हो। तो दोस्तों पहले बात करते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की, क्योंकि दोस्तों अगर आप ट्रैवलिंग करने वाले हो तो इसकी क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। तो दोस्तों ये जो आप सारा देख रहे हो ये आपको मेटल मिलने वाला है जो कि काफ़ी अच्छा मटेरियल का इसमें मेटल दिया गया है, काफ़ी अच्छा है दोस्तों, काफ़ी टफ ये है। और दोस्तों ये जो आप देख रहे हो ये सब इसमें प्लास्टिक मिलती है और दोस्तों प्लास्टिक की क्वालिटी भी सच में बताऊंगा काफ़ी अच्छी है। ये जो दोस्तों आप देख रहे हो ये ब्लैक वाला, ये दोस्तों इसमें रबड़ दी गई है ताकि दोस्तों ये गिरे ना, इसमें अच्छे से ग्रिप ये पकड़ सके। और दोस्तों यहाँ पे भी आपको ये इसकी प्लास्टिक की मिलेगी पर काफी अच्छी क्वालिटी की मिलेगी। और दोस्तों ये जो आप देख रहे हो जहाँ पे आपका फोन लगेगा या फिर दोस्तों कैमरा लगेगा, तो ये भी दोस्तों इसमें काफी अच्छे मेटल का दिया गया है, काफी अच्छी क्वालिटी का है, ये भी सब मेटल का दोस्तों। और जो इसके बटन है ये भी दोस्तों इसमें मेटल के दिए गए हैं जो कि काफी अच्छी इसकी बिल्ड क्वालिटी बना देता है। अब दोस्तों दिखा देता हूँ ये काम कैसे करता है। तो दोस्तों अभी ये पूरी तरीके से लॉक है, अगर हमको इसको खोलना है तो कैसे करना पड़ेगा, दोस्तों इसको ऐसे खोलना पड़ेगा। अब ये अनलॉक हो चुका है। अब दोस्तों अगर हमें दोबारा इसको लॉक करना है तो ये सीधे अगर हम ऐसे करेंगे तो दोस्तों ये अटकेगा यहाँ पे, ये ऐसे नहीं होगा। तो आपको कैसे करना है दोस्तों, इसमें जो बटन मिलता है ये आपको दबा के रखना है और दोस्तों तब इसको आपको ऐसे दोबारा से इसको बैन कर देना है। तो दोस्तों ये ऐसे ही आपका ये लॉक या अनलॉक इसको करना है। बाकी दोस्तों इसकी ये काफ़ी कॉम्पैक्ट है, आप देख सकते हो कितना छोटा सा साइज है और इसका साइज भी दोस्तों काफ़ी बड़ा होता है जो मैं वीडियो में आपको दिखा दूंगा। अब बात करें दोस्तों इसकी यहाँ के लॉकों की, ये कैसे है। दोस्तों यहाँ पे आपका ये कैमरा लगेगा, ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ये भी ऐसे निकल जाता है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों इसका ये सीधा रखने का ये भी दिया गया है जिससे आपको दोस्तों ये पता चलेगा ये सीधा है, ये कितना सीधा है, कितना लेवल में है दोस्तों, ये भी दिया गया है। ये मेरे को इसमें काफ़ी अच्छी चीज़ लगी है। बाकी दोस्तों आप इसको यहाँ से खोलोगे तो ये दोस्तों ये निकल जाएगा और दोस्तों इसको दोबारा से लगाने के लिए इसको यहाँ से टाइट करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये था इसका सिस्टम। अभी दोस्तों यहाँ पर आपको ये बॉल हेड भी मिलता है जो कि मेरे को काफ़ी सच में अच्छा लगा है, काफ़ी आपके लिए यूजफुल ये रहने वाला है। ये कैसे काम करता है दोस्तों, इसका यहाँ पे आपको ये मिलेगा दोस्तों, यहाँ से इसको आप घुमाओगे तो दोस्तों ये पूरा फ्री हो जाएगा। अब आप इसको जैसे जैसे मर्जी आप इसको कर सकते हो। और दोस्तों एक और इसमें अच्छी चीज़ मिलती है, आप इसको इतना भी कर सकते हो। बाकी दोस्तों अगर जहाँ पे भी आप इसको रखना चाहते हो उतना करके और इसको यहाँ से टाइट कर दो तो ये वहीं का वहीं लॉक हो जाएगा। और दोस्तों ये इसको भी आप कैसे भी घुमा सकते हो, ये आप देख सकते हो ये ऊपर से यहाँ से घूमता है पूरा। इसमें दोस्तों डिग्री भी दी गई है, ये नंबर भी दी गए हैं किस नंबर पे आप ये रखना चाहते हो, और ये भी दोस्तों इसको आप टाइट या हार्ड कर सकते हो। अब दोस्तों इसकी भी हाइट और बढ़ती है, ये कैसे बढ़ती है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये बटन मिलता है, इसको हम ऐसे खोलेंगे तो दोस्तों खोल के ये देखिए दोस्तों इसकी हाइट इतनी बढ़ती है। दोस्तों इसमें एक और चीज़ भी मिलती है, मैं ये भी आपको दिखा देता हूँ। अगर दोस्तों आप ओवरटॉप वाले शॉट लेते हो उसके लिए भी दोस्तों ये ट्राइपॉड बहुत अच्छा रहने वाला है। क्यों दोस्तों मैं दिखा देता हूँ इसको, आपको इसको लॉक करना है और ये ऐसे करके ये ऐसे बन जाता है दोस्तों, आप इससे ओवरटॉप शॉट भी इससे आराम से ले सकते हो। बाकी दोस्तों अब मैंने ये इसमें जो जो चीज़ें थी मैंने आपको बता दी, अब थोड़ा मैं दोस्तों ये कैसे काम करता है मैं वैसे आपको वीडियो में आगे बताता हूँ। दोस्तों ये इसके लॉकिंग सिस्टम है, ये दिखा देता हूँ मैं कैसे काम करते हैं। दोस्तों इसको छोटा बड़ा कैसे करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों ये जो आप देख रहे हो इसको हमको खोलना पड़ेगा, तो दोस्तों ये यहाँ से ऐसे दोस्तों ये आगे को बढ़ जाएगा और दोस्तों इसको दोबारा हम ऐसे टाइट करेंगे तो वहीं का वहीं दोस्तों ये लॉक हो जाएगा। ये देखो दोस्तों ना आगे ना पीछे ये जा रहा है ऐसे। दोस्तों इसी टाइप के आपको तीन, एक पैर में दोस्तों तीन मिलेंगे, ये एक है, दूसरा दोस्तों ये है, ये आप देख सकते हो, और तीसरा दोस्तों ये है। इसकी हाइट दोस्तों काफ़ी जाती है, मैं पूरी इसकी हाइट खोल के तब आपको वीडियो में दिखाता हूँ। दोस्तों ये इस ट्राइपॉड की फुल हाइट है, ये आपको मैं दिखा देता हूँ कितनी मिलती है। ये दोस्तों यहाँ से भी और थोड़ा ऊपर हो जाता है, मैंने आपको दिखाया था यहाँ से लॉक करके। दोस्तों ये देख रहे हो ये इसकी फुल हाइट है। दोस्तों अगर हाइट की बात करें तो ये 6 साढ़े 6 फीट से भी ऊपर का जा रहा है दोस्तों,
आराम से दोस्तों, ये 6 फीट से तो ऊपर जा रहा है, तो आपको इसकी हाइट में दोस्तों कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। इसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा मिलती है, और छोटा कितना मिलता है वो तो दोस्तों मैंने आपको दिखाई दिया था। आप इतना छोटा दोस्तों इसको कर सकते हो कि आप आराम से इसको बैग में लेके कैरी कर सकते हो। दोस्तों इसको हम ओवरटॉप शॉट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों ये जो मिलता है ये मैंने आपको दिखाया था, इसको हम ढीला करेंगे दोस्तों, ये ऊपर हो जाता है। अब ऊपर करके दोस्तों इसको सिंपली हमको ये करना है और इसको थोड़ा सा पीछे कर देना है, यहाँ से इसको हमको टाइट कर देना है। आप दोस्तों देखो, आप ये देख सकते हो, ये दोस्तों आप देख सकते हो, यहाँ पे आप कोई भी फोन लगा के दोस्तों, फोन या कैमरा लगा के आप आराम से आप ओवरटॉप वाले शॉट ले सकते हो, जिसके लिए दोस्तों काफ़ी चीज़ें लगती है। और अगर आप दोस्तों प्रोफेशनली ये चीज़ करते हो दोस्तों, 10-12 हज़ार रुपये का आपको पूरा सेटअप लगने वाला है, और दोस्तों ये आपका वो भी पैसे बचा देता है। ये आप ओवरटॉप शॉट भी इससे आराम से ले सकते हो। दोस्तों इसमें कंपनी एक और चीज़ देती है, वो भी आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों इसमें आप अपने काफ़ी महंगे महंगे कैमरे लगाने वाले हो तो दोस्तों अगर आप इसमें लगाते हो तो वो भी गिर सकते हैं, ये इतना दोस्तों क्योंकि भारी नहीं मिलता है, तो उसकी सेफ्टी के लिए दोस्तों इसमें कंपनी ये भी देती है दोस्तों, ये आप देख सकते हो। इसमें क्या दोस्तों, आप कुछ भी दोस्तों इसमें कोई भी भारी सामान रख के दोस्तों इसको टंगा सकते हो। उससे क्या होगा दोस्तों, ये थोड़ा और हैवी हो जाएगा, जिससे दोस्तों आप कोई भी कैमरा अगर इसमें भारी या बड़ा लगाते हो तो दोस्तों उससे ये गिरने वाला नहीं है। तो ये भी चीज़ मेरे को दोस्तों इसकी काफ़ी अच्छी लगी है। दोस्तों बात करें इसकी प्राइसिंग की, तो दोस्तों हाँ ये थोड़ा महंगा है दोस्तों। अगर इसकी प्राइसिंग की बात करें तो ये 5-5.5 हज़ार रुपये में इस टाइम मिल रहा है। दोस्तों वैसे मैं अमेजोन पे लिंक दे दूंगा जिसपे आप ट्राई करके देख सकते हो। दोस्तों देख सकते हो इसके प्राइसिंग सिस्टम क्या चल रही है। दोस्तों ये बोलूंगा महंगा तो है ये, पर दोस्तों अगर आप इतने महंगे महंगे अपने कैमरे ले रहे हो दोस्तों, कैमरा ले रहे हो, इतनी चीज़ें और ले रहे हो दोस्तों, तो उसके लिए आपको थोड़ा बहुत तो इस पर भी खर्चा करना पड़ेगा, जो दोस्तों आप अच्छी सी फोटो ले सको। और देखो दोस्तों कैमरे की भी लाइफ उससे बढ़ती है, आपको ये डर नहीं रहता कि कहीं गिर जाएगा कैमरा या कुछ भी। और दोस्तों इसको कैरी करना भी काफ़ी आसान है। दोस्तों ये सच में बताऊंगा काफ़ी वैल्यू फॉर मनी वाला प्रोडक्ट है। अगर आपका इस टाइप का काम है तो दोस्तों सच बताऊंगा इसकी आपको काफ़ी ज़्यादा दोस्तों इससे ही हेल्प होने वाली है। तो दोस्तों यही थी आज की पूरी वीडियो, अगर आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताना। वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।